आज हम जानेंगे रियाजुल जन्ना के बारे में, तो आप ये वीडियो देखते रहें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और भी हज़रात इस मुकद्दस मकाम के बारे में जान सकें और इसकी ज़ियारत कर सकें। रियाजुल जन्ना के बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस जगह पर दो रकात नफिल पढ़ना ऐसी इबादत है कि जैसे कि वो इंसान जन्नत के अंदर जो है नमाज़ पढ़ रहा है। तो अब इसी वास्ते इसको रियाजुल जन्ना कहते हैं, जन्नत की क्यारियाँ। तो इसे ये वो मकाम है, वह यहाँ पर बड़ी मुश्किल से इबादत का तरीका वक्त मिलता है, मगर इसका एक तरीका ये है कि अगर दो तीन आदमी साथ में हों तो उनको मेरा मशवरा है कि वो एक आदमी नफिल पढ़ने के लिए खड़ा हो जाए और दो आदमी आपस में अपने अपने हाथ मिलाकर और उसका घेरा सा बना कर खड़े हो जाए ताकि उसको इत्मीनान से नमाज वो अदा कर सके। इस तरीके से तो एक सबसे बेहतर तरीका होगा, इस तरीके से अगर नमाज़ पढ़ेंगे तो सबको बराबर का नंबर आ जाएगा। मेंबर रसूल से मेहराब और सरकार के रोज़ा मुबारक के दरमियान में जो जगह है उसको कहते हैं रियाजुल जन्ना। तो ये रियाजुल जन्ना जन्नत की क्यारियाँ, इसमें इबादत करना ऐसा ही है जैसा कि वहाँ पर आपने जन्नत के अंदर नमाज़ पढ़ी। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप इसी तरह के वीडियोज़ आसानी से देख सकें।